पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के परिवहन खनन व उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने SYL को लेकर पंजाब के रवैये पर क्वेश्चन मार्क लगाया है और कहा है कि इसको जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, केंद्र की ड्यूटी लगाई है। इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला हरियाणा के हित में दिया था, आज भी फैसला देश के हित में दिया। ये फैसला है कि हमारा पानी पाकिस्तान कितना जा रहा है, और ये भी उसमें कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब पानी ले पर हमारा पानी पाकिस्तान तो नहीं जाए। खूब रहे, हमने कब मना करा भाई? सारे जो पाकिस्तान पानी उसको रोको, और जितना पानी रखे बाकी पानी दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को जो रिश्तेदार दे, उनमें न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के इसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने सुपरविजन जो फैस जिस तरह से संज्ञान लिया है, इससे उम्मीद है कि जल्दी हरियाणा के तुम फैसला हो। शर्मा जी, जिस प्रकार से पंजाब शुरू से हठधर्मिता SYL को लेकर दिखाता आया है, कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर की हो, प्रकाश सिंह बादल की हो, या अब आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार हो, कहीं ना कहीं विधानसभा का भी इस्तेमाल होता रहा है SYL का पानी हरियाणा को ना मिले। नहीं, मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पानी हमारा पाकिस्तान जा रहा, दो देशों का फैसला है, कई ना हरियाणा का ना पंजाब का, दो देशों का फैसला। और पाकिस्तान पानी जाना देश का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पानी को रोका जाए हिंदुस्तान के को। पंजाब को जितना पानी है पानी ले, जितना पानी बचे उसको वापस दूसरे प्रदेश दे, नहीं है तो पंजाब यूज कर ले, पर पानी तो रुके। अगर पानी रुकेगा तभी तो पंजाब में आएगा। पंजाब इस मामले में बड़ा स्पष्ट कह रहा है, भगवंत मान ने भी यही कहा है। अभी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी अमृतसर में मीटिंग थी, भगवंत मान जी ने कि एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। नहीं चाहिए पाकिस्तान से तो रोको, कौन कह रहा है पानी? पाकिस्तान से रोको पानी को, जितना बूंद बचेगा उतना देगा हमको। अगर मान लो आज पानी उसके पास पंजाब रोकने वो अपना पानी रोकता है, जो पानी पंजाब के हक में आएगा, जितना पानी उसे, जितना पंजाब में पानी यूज कर उतना ले, पर जितना बचे उसे दे, पहले पंजाब पाकिस्तान से रोके। मना कौन कर रहा, पहले पानी पाकिस्तान से रोके। SYL पर जिस प्रकार से, आप तो पुराने पॉलिटिशियन है, 1 नवंबर 1966 से जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने राजनीति की, कई चीफ मिनिस्टर भी इन एजेंडों को लेकर बने हैं। 1987 में देवीलाल जी और मंगल सैन जी की जोड़ी ने 90 में से 85 सीटें भी जीती थी। इसके बाद 91 में यही मुद्दा भजन लाल जी के पास था, वीरेंद्र सिंह के पास था, जो कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे। इस तरह से ये ओम प्रकाश चौटाला जी और कई सभी नेता इस मुद्दे को इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या पानी मिलेगा हरियाणा को? नहीं, मैंने जब से 1970 से लेकर आज तक जितने चीफ मिनिस्टर हुए, पानी पर राजनीति हुई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का संज्ञान कभी लिया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा हरियाणा का, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको रोका जाए, जितना पानी लेना है उसे यूज करे जितना हम दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीधा स्पष्ट तरीके से पूछ लिया कि आनाकानी क्यों, भरोसा है न्यायपालिका, जल्दी फिर SYL का पानी हरियाणा की जीवन रेखा माना जाता है, इससे क्या क्या लाभ हरियाणा को मिल सकता है? न्यायपालिका का भरोसा रखें, दिल्ली में जो पानी का हाहाकार है, गुड़गांव, फरीदाबाद, राजस्थान, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भियाणी, जो पानी का हाहाकार मचाओ, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, खेती का पानी मिलेगा, आने वाले से के पानी मिलेंगे, पंजाब से हरियाणा की धरती जो पैदावार होगी, पैदावार दोगुना बढ़ेगी, लोगों को पानी पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद मूलचंद शर्मा जी। तो ये हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा के परिवहन खनन व उच्चतर शिक्षा मंत्री हैं। इनका कहना है कि SYL का पानी, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का रुख है, हरियाणा को बहुत जल्दी मिलने के संकेत हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।